2017 में सोमनाथ मंदिर के नीचे कुछ ऐसा होने की बात पता चली जो अविश्वसनीय थी, जिसके बाद सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट की मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रभास पाटन और सोमनाथ में पुरातत्व का अध्ययन करने का सुझाव दिया, जिसके बाद रिसर्च हुई और 5 करोड़ की मशीनें लगा दी गई और जो सच सामने आया उसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को हिलाकर रख दिया। आखिर क्या था ऐसा उसमें जिसने भारत सरकार को भी हैरानी में डाल दिया, जानेंगे आज के इस वीडियो में। मित्रों, यदि सोमनाथ मंदिर को रहस्यों का मंदिर भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। यह मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल बंदरगाह में स्थित है। वेदों के अनुसार इस मंदिर का निर्माण स्वयं चंद्र देव ने कराया था। इस मंदिर की अकूत संपत्ति को अनेकों बार लूटा गया। मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा सबसे अधिक बार इसे तोड़ा गया, इतनी बार तोड़ा गया जिसका कोई हिसाब नहीं है। लेकिन फिर भी आज यह बहुत ही शौकत के साथ दुनिया के सामने खड़ा है। सोमनाथ मंदिर के नीचे आखिर ऐसा क्या निकला जिसने भारत सरकार को भी हैरानी में डाल दिया, यह बताने से पहले आपको हम यह बताते हैं कि सोमनाथ मंदिर के ही प्रांगण के दक्षिण में समुद्र के किनारे एक स्तंभ है जिसे बाण स्तंभ कहा जाता है, जो बेहद ही प्राचीन है। लगभग 6वीं शताब्दी से बाण स्तंभ का उल्लेख इतिहास में कई पुस्तकों में देखने को मिलता है। इसका मतलब ये है कि उस समय भी यह स्तंभ वहाँ मौजूद था, तभी तो इसका जिक्र किया गया है। लेकिन ये कोई नहीं जानता किसका निर्माण कब हुआ था, किसने कराया था और क्यों कराया था। मंदिर के अनेक रहस्यों की तरह यह भी एक रहस्य है जो वैज्ञानिकों के होश उड़ा देता है। जानकार बताते हैं कि यह बाण स्तंभ एक दिशा दर्शक स्तंभ है जिसके ऊपरी सिरे पर एक तीर बनाया गया है जिसका मुंह समुद्र की ओर है। इस बाण स्तंभ पर लिखा है आसमुद्रांत दक्षिण ध्रुव पर्यंत अबाधित ज्योति मार्ग। इसका मतलब ये कि समुद्र के इस बिंदु से दक्षिण ध्रुव तक सीधी रेखा में एक भी अवरोध या बाधा नहीं। कहने का मतलब ये है कि सीधी रेखा में कोई भी पहाड़ या भूखंड का टुकड़ा नहीं है। अब जो वैज्ञानिक सनातन धर्म की महानता नहीं मानते, उन वैज्ञानिकों के लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर उस काल में कैसे लोगों को यह जानकारी थी कि दक्षिण ध्रुव कहाँ है और धरती गोल है। कैसे उन लोगों ने इस बात का पता लगाया होगा कि जिस जगह पर सीधी रेखा मिलती है वहाँ ज्योतिर्लिंग स्थापित है, जिसे भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला माना जाता है। यह वैज्ञानिकों के लिए आज भी रहस्य है जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। अब बात करते हैं सोमनाथ मंदिर के नीचे दफन रहस्य के बारे में। आज तक की रिपोर्ट के अनुसार IIT गांधीनगर के कई एक्सपर्ट्स के जरिए 5 करोड़ से भी ज्यादा लागत की बड़ी बड़ी मशीनें यहां लगाई गई थी, जिसमें अलग अलग इलाकों में इस मशीन के जरिए रिसर्च की गई। पहले GPR टेक्निक, रडार और मेटल डिटेक्टर का भी इस्तेमाल किया गया और अचानक वैज्ञानिकों को सोमनाथ मंदिर के नीचे से वाइब्रेशन मिलने लगे। सोमनाथ मंदिर की जगह पर 2 मीटर से लेकर 12 मीटर तक GPR इन्वेस्टिगेशन किया गया। दोस्तों, GPR मतलब पीग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार। सर्वे की इस अत्याधुनिक तकनीक से बिना खुदाई कराए जमीन से 15 मीटर नीचे तक की सभी जानकारियां आसानी से मिल जाती हैं। जहां जमीन के नीचे से वाइब्रेशन आ रहे थे उसी वाइब्रेशन की स्टडी करके टीम ने अपनी रिपोर्ट तैयार की थी। जब सोमनाथ मंदिर के नीचे GPR से शूट किया गया तो वैज्ञानिकों को मंदिर के ठीक नीचे 3 मंजिला इमारत मिली, जिसे देखकर सबके होश उड़ गए। यहां भूगर्भ में 3 मंजिला इमारत होने की बात सामने आई है, जिसमें पहली मंजिल 2.5 मीटर, दूसरी मंजिल 5 मीटर और तीसरी मंजिल 7.5 मीटर की गहराई में है। इन सबूतों ने वैज्ञानिकों को भी हैरानी में डाल दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि एक मंदिर के नीचे 3 मंजिला इमारत होना कोई साधारण सी बात नहीं है। इस पूरी घटना का खुलासा IIT गांधीनगर और आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के जरिए किए गए संशोधन में हुआ है। इस शोध में पता चला है कि देश के करोड़ों लोगों की आस्था के प्रतीक ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव मंदिर परिसर में 3 मंजिला इमारत जमीन के भीतर दबी हुई है। इस बारे में 32 पन्नों की एक रिपोर्ट नक्शों के साथ सोमनाथ ट्रस्ट को दी गई। इस रिपोर्ट के मुताबिक प्रभास पाटन सोमनाथ के गोलोक धाम में आए हुए गीता मंदिर के आगे के हिस्से से लेकर हिरण नदी के किनारे तक हुए सर्वे में भूगर्भ के अंदर एक पक्की इमारत होने की बात सामने आई है। यह रिपोर्ट जैसे ही भारत सरकार को दी गई तो भारत सरकार भी हैरानी में पड़ गई कि आखिर कैसे सोमनाथ मंदिर के नीचे यह 3 मंजिला इमारत हो सकती है। आखिर इस सोमनाथ मंदिर में ऐसी क्या बात थी जिसके कारण आक्रमणकारियों ने इस मंदिर को बार बार लूटा और तोड़ा। ऐसे में सोमनाथ मंदिर के नीचे भूमिगत इमारतों और गुफाओं से इस मंदिर को लूटने का कुछ तो रहस्य जरूर जुड़ा हुआ है, जिस पर गहन शोध होना बेहद जरूरी है।
आखिर किसने बनाया था इसे और इस सोमनाथ मंदिर में कौन कौन से ऐसे रहस्य दबे हुए हैं जो आज भी हमारे लिए अनजान हैं। आपका इसके विषय में क्या सोचना है कमेंट करके बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। सबको पता चल गया, सबने वीडियो देख ली है। और हैरान कुन बात ये है कि 3 मंजिला इमारत सोमनाथ टेम्पल के अंदर। गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।